नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। भैया जहां पे मैं आप लोगों से बात करने वाला एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि यहां पे मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करूंगा, और ये वीडियो मैं बनाता नहीं दोस्तों, मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर है वो थोड़े से ज्यादा डिसअपॉइंट है इस चीज को लेकर के कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे कम होती जा रही है, और उन्हें ये लगता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से अब हमें फायदा नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या है पूरी सच्चाई और इसके बारे में मैं तफ्तीश करूंगा दोस्तों कि यहां पे क्या आप लोगों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जाकर के पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ काम की जानकारी मिस कर दें। दोस्तों मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों जब कभी भी बात निकल के आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम पहले से साइमल्टेनियसली आपने देखा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगातार गिरावट आती जा रही है। क्या ये गिरावट निरंतर बढ़ती रहेगी और या फिर ये थोड़ा सा अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें देंगे? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं सारी की सारी चीजों पे देखेंगे, बात करेंगे, सारी की सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसकी अवधि 15 साल की होती है। अब दोस्तों यहाँ पे कम से कम 500 रुपए मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप जमा करा सकते हैं, जिसके ऊपर आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत में टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और यहाँ पे जितना भी आपका पैसा होता है, जितना भी आपका रोज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप गेन करेंगे, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स आपको देखने को नहीं मिलता, ये टैक्स फ्री अमाउंट होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात निकल के आपके मन में यार योगी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट कौन कौन लोग खोल सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी इंडियन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो, आप गुजरात से हैं, बंगाल से हैं, आप बिहार से हैं, हो सकता है आप गोवा से हो सकता है बेंगलुरु, दिल्ली या उत्तर प्रदेश से, आप कहीं से भी आप हैं, इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को खोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट आप कहाँ से खोल सकते हैं, तो दो ऑप्शन है, या तो आप किसी भी बैंक में जाकर के पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस की सरकार से, या फिर अगर आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया से भी जाकर के पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप ब्रांच में विजिट करेंगे, चाहे पोस्ट ऑफिस की या किसी भी बैंक की, सिंपली आपको बोलना है कि मुझे एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करना है, और वहां पे वो फॉर्म फिल करने के लिए दे देंगे आपको। उस फॉर्म के अंदर आपको सारी की सारी कंडीशन फिल करनी है कि कितने आपने पैसे जमा करा रहे हैं पर मंथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 500 रुपए मिनिमम आप करा सकते हैं, मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 लाख रुपए भी आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात ये निकल के आती है इसके अंदर कि यहां पे जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.9% है। पहले इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा अच्छा मिलता था, मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे देखा था 7.3% का देखा था, जिसे अभी घटा करके 7.9% कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों प्रेडिक्शन ये लगाई जा रही है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.9% का है, जिसे बढ़ा करके 8.5% या 8.7% भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 8.6% का चल रहा है, तो इसी से प्रेडिक्शन ये लगाई जा रही है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात निकल के आती है कि कौन लोग इस अकाउंट को नहीं खोल सकते, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप NRI हैं, अगर आप HUF हैं, तो इस अकाउंट को नहीं खोल सकते। उनके लिए तरह तरह की दूसरी स्कीम चलती रहती है, बहुत ही जल्दी मेरे चैनल के ऊपर आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो NRIs के लिए हैं और जो HUF के लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात निकल के आती है कि यहाँ पे कितने दिनों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन किया जा सकता है, तो दोस्तों 15 साल के लिए किया जा सकता है, जिसे 5-5 साल के स्लॉट के अंदर एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। अब लेट सपोज दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग आप कर रहे हैं, अगर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं अटल पेंशन योजना की तरफ जा सकते हैं, NPS की तरफ जा सकते हैं, या किसी भी जगह से कोई भी रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपको किस तरीके से मदद करेगा रिटायरमेंट को प्लान करने में। लेट सपोज दोस्तों अभी आपकी उम्र है 20 साल,
अगर आपकी उम्र 20 साल है और आपने 1,000 रूपये आप जमा कराना स्टार्ट करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना पैसा आपने जमा करा दिया पूरे के पूरे 15 साल के अंदर। स्लाइड शो के अंदर आप देख रहे हैं इतना पैसा आपको इंटरेस्ट मिल गया है और इतने पैसे आपको टोटल मेच्योरिटी भी मिलेंगे 15 साल के बाद। अब दोस्तों इतना बताइए, खुद ही आप सोच के देख लीजिए कि अगर रिटायरमेंट प्लान अब आप जैसे कि मैंने आपको बताया अभी आपकी उम्र 20 साल है तो आप 15 साल के अंदर तो रिटायरमेंट नहीं लेंगे, यानी 20 साल के बाद जो 15 साल खत्म हो जाएंगे तो आपकी उम्र 35 साल की होगी। आप वहां पे और 15 सालों के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 5-5 साल के स्लॉट के अंदर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। अब दोस्तों 45 अब यहाँ पे आप 35 साल के थे, 15 साल आपने और एक्सटेंड कर दिया, अब आपकी उम्र हो गई है 50 साल। 50 साल के अंदर कितना पैसा भरा आप स्लाइड शो के ऊपर पूरा देख सकते हैं और कितने का इंटरेस्ट आपको मिला है और कितने की मेच्योरिटी आपको मिलेगी आप ये खुद देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अभी 50 साल में भी रिटायरमेंट नहीं ले सकते, नहीं लेंगे मुझे पता है, क्योंकि 50 साल के बाद भी हो सकता है आप काम करने लायक है या आप काम करेंगे तो वहां पे 5 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दीजिए। और अगर आप 5 सालों के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं तो इतना पैसा आपने पे किया है, इतने पैसे का आपको इंटरेस्ट मिल गया और टोटल मेच्योरिटी आपकी इतने पैसे की हो गई जैसा कि आप स्लाइड शो में देख रहे हैं। अब दोस्तों खुद बताइए यहाँ पे क्या आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अलावा कोई ऐसी स्कीम है जहाँ पे आप इतना पैसा गेन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज आपको देखने को मिलता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है, तो ये है तरीका। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के फायदों की। अब दोस्तों इसी पीरियड के दौरान कभी भी आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वहां पे आप 90% ओडी ले सकते हैं, जो कि किसी दूसरी स्कीम में नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों कम दस्तावेजों के अंदर आप इसको खोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरीके से मार्केट से लिंक नहीं है कि आपको नुकसान होने की आशंका बनी रहती है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं किस तरीके से पैसे को गेन करूंगा। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से मार्केट से लिंक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये है मेरा पॉइंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लेकर के। दोस्तों कभी भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि भविष्य निधि घाटे का सौदा नहीं हो सकता। अगर आपको किसी ने बताया है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अब इस तरीके से फायदे नहीं रहे हैं, ये फायदा नहीं रहा है, ये फायदा नहीं रहा है, दोस्तों ये जितने भी कैलकुलेशन मैंने करके बताई है वो 7.9% के हिसाब से करके बताई है। आने वाले टाइम के अंदर आपको भी ये पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो ज्यादा ही मिलेगा और वहां पे जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। जो भी इंटरेस्ट आपने गेन किया उसके कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा जो भी आपका पैसा है उसके ऊपर वो कोई अंडर सेक्शन 80C के तहत में टैक्स फ्री रिबेट भी आपको मिलती रहेगी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 लाख रूपये तक के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आज हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों हम आपके कमेंट का रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर जरूर से कर देते हैं। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।